हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मम्मी और मैं गए थे एट्रिया मॉल, और सबसे पहले हम लोग गए मैकडोनल्ड्स क्योंकि मम्मी और मुझे थोड़ी भूख लग रही थी। और हम लोग ने वहाँ से लिए 2 फ्राइज़, 2 बर्गर, 1 कोक फ्लोट और 1 कोक। फिर उसके बाद गए हम लोग डिकैथलॉन। सो हियर आर सम क्लिप्स, यू कैन एन्जॉय। ये अभी हम लोग जा रहे हैं डिकैथलॉन, तो मैं वहाँ पर मिलती हूँ। मैं भी गर्ल ही हूँ, तुम बोला तुम पिनाओ। फिर उसके बाद जब हम डिकैथलॉन से बाहर आ गए तो मम्मी और मैंने आइसक्रीम खाए, एंड ट्रस्ट मी द आइसक्रीम वॉज वेरी टेस्टी। और एट्रिया मॉल में इतनी प्यारी डेकोरेशन हुई थी बिकॉज एट्रिया मॉल जस्ट रीच्ड इट्स 17th एनिवर्सरी। ओके, तो हम लोग आ चुके हैं फाइनली घर पे एट्रिया मॉल से। और मैंने अपने अगले व्लॉग में एक प्रॉमिस की थी कि वो जो सरप्राइज मम्मी पापा ने मुझे दिलाया है वो मैं दिखाऊंगी, तो वो सरप्राइज है ये गिटार जो मेरे को मम्मी पापा ने दिलाया है। और ये ऐसा ऐसा गिटार नहीं है नॉर्मल गिटार की तरह, इसका कलर बहुत यूनिक है। और थैंक यू वेरी मच। तो अभी मैं ये खोल के दिखाती हूँ। तो ये है वो गिटार, ये क्रीम कलर का है ना मम्मी, ये क्रीम कलर का है गिटार, एकदम प्यारा है। ये पीछे भी बैक साइड बहुत यूनिक कलर है। ये मम्मी तुमको कैसा लगा गिटार? बहुत अच्छा, ये एकदम मतलब बाकी गिटार्स कैसे होते हैं ब्राउन कलर के या फिर ब्लैक कलर के, ये थोड़ा यूनिक कलर था क्योंकि ऐसा कलर मैंने गिटार में अभी तक नहीं देखी। मम्मी ने भी बोले मम्मी को बहुत अच्छा लगा, तो हाँ ब्राउन कलर का था, ब्राउन कलर का है बचपन में। हाँ मम्मी भी, हाँ ये भी बात है कि मम्मी भी बचपन में गिटार यू नो बजाते थे, लेकिन वो गिटार मैंने तोड़ दी, तो सॉरी मम्मी। देखो मम्मी हो तो ऐसी हो जो आसान से माफ़ी कर दे। और गिटार के साथ भी मुझे एक्स्ट्रा जो स्ट्रिंग्स है गिटार के वो भी मिले थे। ये है वो, मैं खोल के दिखाती हूँ। ये है ये एक्स्ट्रा स्ट्रिंग्स जो मुझे मिले थे गिटार के साथ ऐसा। और ये भी मिला था वो गिटार को हैंग करने के लिए यहाँ पर, तो ये मैं खोल के दिखाती हूँ। अभी तक मैंने खोली नहीं थी क्योंकि मैं वेट कर रही थी कि मैं कब इसका व्लॉग शूट करूँगी। मैंने सोची थी इसके लिए सेपरेट शूटिंग करूँगी मैं, लेकिन नहीं, बस मुझे टाइम ही नहीं मिला उसके लिए। देखो ये, और ये दूसरा नहीं पता मुझे क्या है, ये क्या है अम्मी तुमको मालूम है कुछ? नहीं, ये तो मैंने फर्स्ट टाइम देखी बिकॉज मेरे को मतलब मैं गिटार के साथ इतना वो नहीं हूँ कि हाँ मुझे पता है ये क्या है। मैं भी थोड़ा न्यू हूँ ना गिटार के साथ, वहाँ पर एक वो होता है राइट साइड में, हाँ ऊपर साइड में उसका है ये हाँ, उसको लूज और टाइट करने के लिए। तो इसके अंदर क्या होता है? हैंग करते हैं उसमें। तो ये हम, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, अब कुछ हो गया ना गिटार को अब हम मारेंगे। और गिटार के साथ ये 4 पिक्स मिले थे, 2 ब्लू और 2 ब्लैक। बजा के तो बता, हमें नर्वस करते हो तो कैमरा के साथ नर्वस फील होता है। ओके, इस मेरे को इससे कंफर्टेबल नहीं लगता क्योंकि बचपन में जब मैं मम्मी का गिटार बजाती तो मेरे को हाथ की आदत थी, तो मैं ये निकाल देती हूँ। बताओ बजा, घबरा मत, बजा अभी ना हंसे।
ओके, तो सबसे बड़ी बात ये है जो मुझे अभी तक रिग्रेट होती है, वो है कि मैंने जब भी मतलब मेरा पुराना गिटार था, मतलब जो मेरी मम्मी का पुराना गिटार था, उस पर मैंने बहुत सारे गाने सीखी थी, कुछ कुछ होता है, तेरे नाम, और भी मैंने बहुत सारे गाने सीखी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो गिटार टूट गया और सब मेस्ड अप हो गया और मुझे अभी कुछ भी याद नहीं है। तो अभी जो ये नया गिटार मिला है मुझे, तो मैंने इस पर एक नया गाना सीखी हूँ और वो भी स्टार्टिंग का सिर्फ 15 सेकेंड, आई नो। तो और वो गाने का नाम है स्टिल विथ यू बाय जॉन जंकुक, सो लेट्स गो। एंड बाय द वे, अगर जिसको नहीं पता है कि जॉन जंकुक कौन है, सो ही इज़ अ वेरी फेमस सिंगर फ्रॉम साउथ कोरिया। एक्चुअली नहीं, वो बहुत के पॉप ग्रुप वो सब बोलते हैं मतलब साउथ कोरिया में। सो ही इज़ इन अ के पॉप बैंड नेम BTS, और हाँ, सो ही इज़ द सिंगर इन दैट ग्रुप, और उसने ये गाना लिखा है, वो गाने का नाम है स्टिल विथ यू। सो मैंने वो गाना सीखी हूँ एंड लेट्स गो, लेट्स प्ले। देखो मैं पहले बोल रही हूँ मैं अच्छी नहीं हूँ, तो कोई भी गलती होगी तो प्लीज़ हंसना मत, प्लीज़। हो गया, एंड दैट वॉज इन वन ट्राई। ओके, तो मैं तुम लोग को मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।